हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है जहां पर हम लोग झारखंड सामान्य अध्ययन सीरीज वन को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका झारखंड सामान्य अध्ययन और झारखंड करेंट अफेयर्स पर आधारित आपके लिए अभ्यास वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको यहां पर दिए जाते हैं। चूंकि ये आपका लाइव सेशन डेली आपका 7 PM से चलता है, जिसका रिकॉर्डिंग आपको कुछ देर बाद आपको अवेलेबल होता है, तो ये आपका एक रिकॉर्डिंग सेशन है जिस पर आपको ये मिलेगा। आपको आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमेशा आप लाइव सेशन में प्रेजेंट रहिए, जिससे कि आप जो भी अपने डाउट्स हैं और साथ ही आपको जो भी डिस्कशन किया जाता है आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है आपका, पान मसाला में एवं तंबाकू में कौन सी प्रतिबंधित पदार्थ मिलने के कारण झारखंड सरकार द्वारा इसे बंद किया गया। फर्स्ट है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, थर्ड है आपका अमोनिया और फोर्थ है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट एक ऐसा पदार्थ है जो अभी चेक किया गया, जितने भी गुटखा या फिर आपका पान मसाला या फिर अन्य तंबाकू के पदार्थ जो बेचे जा रहे थे मार्केट में, तो उनमें आपका एक प्रतिबंधित पदार्थ जिसे मना किया गया था रूल्स के अकॉर्डिंग कि आप इसमें इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं प्रोडक्ट को बनाने में, लेकिन इसका यूज किया गया था और प्रोडक्ट बनाए गए थे। इसीलिए आपका झारखंड सरकार ने एक नोटिस के जरिए इसे पूर्ण तरह से आपका प्रतिबंधित कर दिया है कि आने वाले कुछ सालों तक इसका आपका ना बिक्री की जाएगी और ना ही आपका अन्य तरीके से इसे आपका उपयोग या सेल किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका यहां पर बी होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से इसे बंद किया जा रहा है। आपको बता दें मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर जिन पदार्थों में पाया जाता है उनका अगर आप सेवन करते हैं तो कैंसर और हृदय से संबंधित बीमारी आपको उससे घेर लेती है, तो इसको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। हृदय और कैंसर जैसी बीमारी इन पदार्थों के सेवन से होती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या दो, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा पान मसाला के बिक्री एवं उपयोग पर कब तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अभी जो हमने प्रश्न डिस्कस किया उसी पर है आपका, हमेशा के लिए, एक साल के लिए, पांच साल के लिए, दो साल के लिए। इसका सही उत्तर होगा आपका बी, एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपके कल न्यूज चैनल में आपने देखा होगा या फिर आपका न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे, इसलिए हमने बोला है कि आप डेली एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आपको जो भी करेंट में चल रहे हैं उससे आपको हर चीज से अवगत हो सके और आपको हर चीज समझ सके, और इसका आपको स्पेशल नोट्स भी बनाने हैं, इस पर हमने वीडियो भी बनाया, उसे आप जरूर देखिएगा। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या तीन, झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य स्तर पर चयनित छात्राओं को सालाना कितने रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। 12,000 रुपए, 8,000 रुपए, 6,000 रुपए, 7,500 रुपए। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 12,000 रुपए। पिछली सरकार के द्वारा जब रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ किया था, जिसमें कि आपका एक परीक्षा ली जाएगी और उसके आधार पर जो चयनित छात्र होंगे, जिस पर कि तीन स्तर पर छात्रों का चयन किया जाएगा, राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर, और आपका डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पर लेवल पर, और आपका ब्लॉक लेवल पर मतलब प्रखंड स्तर पर। तो इनमें जो अगर चयनित छात्र जो होंगे, 12,000 रुपए स्टेट लेवल पर, 6,000 रुपए आपका जिला स्तर पर, और 3,000 रुपए आपका ब्लॉक प्रखंड स्तर पर दिए जाएंगे। यहां पर जो पूछा गया था आपसे प्रश्न, वो था आपका, वो जो आपको पूछा गया था आपका राज्य स्तर पर क्या दिया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, 12,000 रुपए दिए जाएंगे। यहां पर मेंशन भी हमने किया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या चार, लोटा पहाड़ नामक स्थल पर उत्खनन पुरातत्व निदेशालय ने किया है, जहां से पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। लोटा पहाड़ नामक स्थल झारखंड के जिले में स्थित है, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गुमला, हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में झारखंड जहां पर ये पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसका उत्खनन जो करवाया गया था पुरातत्व निदेशालय के द्वारा, यह आपका झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। राइट आंसर आपका इसका ए होगा। प्रश्न संख्या पांच है आपका आज की वीडियो सेशन का, हाल ही में झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रारंभ बिरसा हरित ग्रामीण योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब भी एग्जाम में परीक्षा में आप बैठते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले अगर क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला तो आपको केयरफुली, सावधानी से आपको प्रश्नों को पढ़ना है।
ये सारे बीच बीच में हम आपको बहुत सारी चीजें बताते रहेंगे जिसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कि आप अगर जब प्रश्न आप रीड करते हैं तो उसमें बहुत सारे की पॉइंट होते हैं। की पॉइंट मतलब कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसका आपके प्रश्न का उत्तर देते समय बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर पहला तो पॉइंट ये है कि आपका बिरसा हरित ग्राम योजना इस योजना से है और इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपके लिए एक की पॉइंट है नहीं वर्ड और आपका बिरसा हरित ग्राम योजना, तो इसको आपको हाईलाइट करना। अगर हाईलाइट कर लेते हैं तो आप जब आंसर देने लगिएगा तो आपको ये चीजें समझने में आसानी होगी। तो इस चीज को आपको देखना है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब हम पॉइंट वाइज रीड करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, इस योजना के तहत राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। बी है आपका, योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। थर्ड है आपका, झारखंड सरकार 3 वर्ष तक पौधे को सुरक्षित रखने हेतु सहयोग देगी। और फोर्थ पॉइंट है आपका, उपयुक्त सारे कथन सत्य है। जैसा कि मेरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने बताया था बिरसा हरित ग्राम योजना जो कि प्रारंभ किया गया है 4 मई से ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा झारखंड सरकार के, तो इसमें आपका इस योजना के तहत अभी ये योजना क्यों लाया गया था, तो आपको जैसा कि पता होगा अभी COVID-19 कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है जिसके में झारखंड पर इसका बहुत ज्यादा इस पर भी असर पड़ रहा है। जो दूसरे राज्य में हमारे राज्य से बाहर गए थे वो वापस आ रहे अपने राज्य में, और साथ ही आपका जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं इस वजह से, और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो वापस आ चुके लोग हैं उन्हें फिर से बाहर राज्य को छोड़ के जाना न पड़े, इसके लिए बहुत सारी योजनाओं का प्रारंभ किया गया था, जिसमें कि आपका एक बिरसा हरित ग्राम योजना है जिसके तहत आपका कि आप अस्थायी रूप से हमारे राज्य में ही रहिए, झारखंड में ही रहिए और यहीं पर आपको रोजगार दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आपको हर 1 लाख परिवारों को 100-100 पौधे लगाने के लिए काम दिया गया है, जिसका आपका झारखंड सरकार के तहत ये सारे काम किए जाएंगे, और ये आपका योजना मनरेगा के तहत काम करेगा जिससे कि आपको 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। तो पहला और दूसरा पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, सरकार 3 वर्ष तक पौधों को सुरक्षित रखनी है तो सहयोग देगी, जो कि बिल्कुल गलत है। सरकार सहयोग देगी अपने स्तर पर लेकिन 5 वर्षों तक ये सहयोग देगी, तो इसका यहां पर अगर 3 के जगह 5 वर्ष होता तब ये सही होता, लेकिन आपका 3 वर्ष दिया हुआ है तो ये पॉइंट आपका गलत है। और पूछा ही गया था इसमें कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीसरा पॉइंट यहां पर आपका कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 6, 39वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस वर्ष किन राज्यों को विशेष राज्य के तौर पर शामिल किया गया है, झारखंड बिहार, झारखंड उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल, झारखंड छत्तीसगढ़, तो इसका सही उत्तर होगा ए। आपका 2019 में भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला के 39वें समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कि आपका इस मेले में वर्ष 2019 के लिए बिहार और झारखंड को विशेष राज्य के तौर पर शामिल किया गया था, जिसका उद्घाटन जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी उनके द्वारा किया गया था 14 नवंबर को, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए। प्रश्न संख्या 7 है आपका, हाल ही में भारत के किस तीरंदाज ने बैंकॉक में महाद्वीपीय क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में खिताब जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया, दीपिका कुमारी, डोला बनर्जी, दुती चंद्र, कोमलिका बारी, तो इसका सही होगा आंसर होगा आपका ए, दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी ने ही बैंकॉक में महाद्वीपीय क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में स्वर्ण गोल्ड मेडल जीता था, जिसकी वजह से उन्होंने जो आगामी ओलंपिक कोटा है, क्योंकि ओलंपिक कोटा के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। आपको बता दें ओलंपिक तो इस बार COVID-19 की वजह से कैंसिल कर दिया गया है, तो इस बार आयोजन नहीं हो पाया है, लेकिन क्वालिफाई ये किए थे तो प्रश्न बनने का चांस है, इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट होगा आपका प्रश्न संख्या 8, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिली हुई है, पहला है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा है आपका भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा, इसका सही उत्तर होगा आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा। आपको बता दें जो आपका चुनाव पिछले साल हुआ था उसमें आपका 30 सीट आपका जो मिला था आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा को, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 25 सीट, कांग्रेस को 16 सीट और झारखंड विकास मोर्चा को 3 सीट, तो सबसे ज्यादा सीट जो मिला हुआ है आपका 30 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को, सही उत्तर होगा आपका ए। प्रश्न संख्या 9 है आपका, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कुल महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी,
30 बार चुनाव हुआ, 123, 124, 125, 127, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी 127 से। आपको बता दें जो इस बार चुनाव हुआ था झारखंड विधानसभा चुनाव, कुल उम्मीदवार 1216 थे, 1216 में आपका 127 महिला उम्मीदवार थे। जो ये आपका चुनाव हुआ था 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में, 5 चरण में ये चुनाव मतदान कराया गया था। सही उत्तर होगा इसका आपका डी 127 महिला उम्मीदवार थे। प्रश्न संख्या 10 से आपका, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में किस एक अकेले पार्टी को सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिला था? झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी? इसका सही उत्तर होगा आपका डी भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज का कोई सवाल ही नहीं है, आपको समझना है इसको अच्छे से। सबसे पहले क्वेश्चंस को हमने पहला स्टेप भी बताया, जब भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं जब कंफ्यूजन का क्वेश्चन आता है तो आपको सावधानी से क्वेश्चन को रीड करना है, तो वही हम लोग करते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में किस एक अकेले पार्टी को सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिला था? क्वेश्चन आप आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि जैसे कि बहुत सारे पार्टी थे, जेएमएम था, विकास मोर्चा था, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां थी, तो इसमें किस एक अकेले पार्टी को वोट सबसे ज्यादा मिला है? हम यहाँ पर कितने सीट पर वो जीते हुए हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत का बात कर रहे हैं। झारखंड मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा, कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी? तो इसका आंसर आपका डी होगा भारतीय जनता पार्टी। वो कैसे? आपको बता दें हम यहाँ पर परसेंटेज दो पार्टियों के बारे में बता रहे हैं, गठबंधन की सरकार जो थी। गठबंधन में एक चीज ध्यान रखना है, गठबंधन मतलब कि एक सिंगल पार्टी नहीं हुआ, उसमें तीन पार्टियां मिलती हुई थी, जेएमएम जो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा थी, कांग्रेस और राजद, इन तीनों को मिलाकर जो वोट प्रतिशत था आपका 35.25% था, जबकि जो बीजेपी जो जिसे 25 सीट मिली थी सिर्फ उसका वोट प्रतिशत आपका 33.5% था। मतलब कि सबसे ज्यादा वोट मिला था वो बीजेपी को मिला था, भले ही वो विधानसभा सीट में वो जीत हासिल नहीं कर पाई, 25 सीट में वो सीमित गई, लेकिन वोट जो मिल रहा था आपका हर विधानसभा से बीजेपी से मिला था। क्लियर है? यहाँ पर देखिए गठबंधन की सरकार जो तीन पार्टी को मिलाकर 35.25% है, जबकि बीजेपी 33.5% है। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यहाँ पर डी भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरह से आज आपका जो सेशन था कंप्लीट होता है। आज के सेशन में बस इतना ही, और हमने आपको इनिशियल में ही बताया था कि डेली आपका 7 PM से शाम 7 बजे से आपका लाइव सेशन रहेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइव सेशन में प्रेजेंट रहिए, अपना आंसर कमेंट कीजिए, उस पर आपका जो डाउट है आप पूछ सकते हैं, हम आपके साथ वो सारे डिस्कस करेंगे। ये आपका रिकॉर्डिंग सेशन जो आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, हम कोशिश ये भी करेंगे कि लाइव सेशन ही आपका रिकॉर्डिंग सेशन में रहे, और नेक्स्ट सेशन से आपका वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अन्य लोगों को इस लाइव सेशन में जोड़िएगा। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।